हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शशीर आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस विशेष सीरीज़ में, जो कि हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल को। और आप जानते हैं इसमें हम फॉलो कर रहे हैं एक फेमस राइटर की बुक, जो कि है कुमार मित्तल की। और उसका आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर का, पिछले बार हमने करा था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सॉल्यूशंस आपको बता दिए थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। तो यदि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको न्यूमेरिकल में कभी कोई दिक्कत ना हो, तो इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखेंगे आपको लगेंगे न्यूमेरिकल काफ़ी आसान। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, हमें क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ई का मान ज्ञात करना है। द्रव्यमान दे दिया एम 0.002। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यह है मिलीग्राम में, यानी कि मिलीग्राम। तो सबसे पहले इसे ग्राम में बदलते हैं, तो 0.002 गुणा 10 की घात -3 ग्राम, जहां मिली शब्द आए वहां 10 की घात -3 लिख लीजिए, आगे ग्राम को ग्राम रख दिया। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 0.002 गुणा 10 की घात -3, और ग्राम को लिखेंगे 10 की घात -3, और ग्राम अब बन गया किलोग्राम में, की ग्राम है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ गुणा 10⁻³ - 3 - 3 10⁻⁶ की ग्राम, और टोटल ही हमारा आ गया 2 × 10⁻⁹ किलोग्राम। तो इतना हमने यहां पर क्या कर लिया, द्रव्यमान को कैलकुलेट करके निकाल लिया। 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, यानी कि हम कह सकते हैं क्यू का मान हमको दे दिया, एन ई से निकालेंगे, एन का मान कितना दे दिया 6, और ई का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो यह हमारे पास किसका मान दे दिया, क्यू का मान। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, यदि बूंद लटकी हुई है, तो देखिए हमने कोई एक वैद्युत क्षेत्र लगाया और बूंद पर नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा होगा जो कि होगा mg, और वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर जो बल लग रहा होगा उसे हम कहेंगे वैद्युत बल, जिसे F = qE से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि बूंद लटकी हुई है तो उस पर लगने वाले यह दोनों के दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। तो लिखते हैं क्योंकि बूंद लटकी हुई है अतः F = जो mg है वह बराबर होना चाहिए F = qE, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो mg बराबर किसके होगा, qE के। यदि बूंद लटकी हुई है यानी कि स्थिर अवस्था पे, तो उस पर लगने वाले दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है। हमें क्या निकालना है, हमें तो E की वैल्यू निकालनी है। तो इस सूत्र से क्या आ जाएगा, E = यह जगह mg / नीचे आ गया क्यू। वैल्यू पुट कीजिए, एम का मान हमें पता है 2 × 10⁻¹, जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, बटे क्यू का मान हमने अभी कैलकुलेट किया 6 × क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब इसे आपने क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करना आसान है, सीधे हम क्या कर सकते हैं, 2 से यहाँ पर भाग दे दीजिए तो ये हो गया 3, और 3 से सीधे 16 + 32 = 48, तो नीचे ऊपर आएगा 9.8, नीचे आ जाएगा 4.8, और ऊपर है 10⁻⁹, और नीचे वाला 19 ऊपर जा करके प्लस वाला 19 हो जाएगा, इतना आ गया। तो हमें 9.8 में 4.8 का भाग दे देते, यहाँ पर दे देते, तो डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, इस डेसिमल से डेसिमल हटा दिया तो ये 4.8 है, ध्यान रखना। तो 98 में भाग देंगे 48 का, तो कितनी बार जाएगा, एक बार आ गया 48, कितना आ गया, दो बार चले जाएगा, 48 × 96 2 8 16 2 4 8 1 9, दो बार चले जाएगा, बच गया 2, दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दी, फिर भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाई, यहाँ पे भी 0 बढ़ाई, अब चले जाएगा 4 × 16 4 बार चले जाएगा, और 5 ×
20, चार ही बार जाएगा तो 2.04 के लगभग आएगा ये मान। तो क्या आ जाएगा इसका मान, 2.04 गुणा 10 की घात कितना हो गया -19 और माइनस प्लस 19, -9 और प्लस 19 कितना हो जाएगा प्लस का 10। और क्या निकाल रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र ई निकाल रहे हैं, इसका मतलब होगा न्यूटन पर कूलम। और यही हमारा देखिए मान यहाँ पर निकल के आ गया। तो आसान है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये बूंद है एक, ये क्या है एक बूंद है, हमने कहा ये क्या है बूंद, इस पर जो नीचे की ओर बल लग रहा होगा वो एफ बराबर एमजी बल लग रहा है, और एक वैद्युत क्षेत्र इसमें अप्लाई है जिसके कारण उस पर जो ऊपर की ओर बल लग रहा है एफ बराबर क्यू ई लग रहा है, क्योंकि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त है, तो बूंद पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो इसका अर्थ है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई। तो इधर की ओर कहीं धनावेश रहा होगा, इधर ऋण आवेश होगा, तो ये बूंद जिस पर ऋण आवेश है ये धन आवेश की तरफ क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, इस पर ऊपर बल लग रहा है एफ बराबर क्यू ई, जबकि एफ बराबर एम जी बल नीचे की ओर लग रहा है। यदि ये लटकी हुई है तो ये दोनों के दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूज किया है। ये लगता है आसान है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमें फिर से एक बार दोबारे से क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी कि ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और दिशा भी बतानी है जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। फिर वही होगा, जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के क्या होगा, बराबर होगा और विपरीत होंगे। अल्फा कण का द्रव्यमान हमें दे दिया, यानी कि एम अल्फा 6.068 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg, और अल्फा कण पर आवेश जो दे दिया क्यू अल्फा वो दे दिया 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो क्या कह रहा है, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, तो लिखते हैं संतुलन की स्थिति में, यहां लिख लेते हैं संतुलन की स्थिति में, स्थिति में जो हमारे पास बल लगेगा एफ बराबर एम जी, यानी कि एम अल्फा गुणा जी बराबर हो लगेगा क्यू ई के बराबर होगा, जहां क्यू क्या है अल्फा कण पर आवेश का मान। हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ई बराबर हो जाएगा क्यू अल्फा इसके नीचे चले जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा एम अल्फा इंटू जी बटे नीचे आ जाएगा क्यू अल्फा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू रखें, एम अल्फा का मान यहां पर दिया है 6.68 गुणा 10 की घात माइनस 27, 6.68 गुणा 10 की घात माइनस 27 इतना आ गया। साथ में क्या आ गया, g का मान, g आपको पता है g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गुणा 9.8 यहां पर आ गया, बटे q अल्फा का मान 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो बस इसे आपने क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 6.68 की 9.8 में गुणा कर लेते हैं और 3.2 का देंगे भाग, तो यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, 6.68 में 9.8 की गुणा करनी है तो कितना आ जाएगा, 68 64, 8 6 48, 8 6 54, 8 6 48 और 5 हो गए हमारे, 48 और 5 हो गए 53 गुणा 9 8 9 72, 6 9 54, 54 और 7 हो गए हमारे 61 हासिल हो गया 6, 6 9 54 और 6 हमारे हो गए टोटल हो गए 60 इतना आ गया। तो ये गया 4 6 4 5 6, डेसिमल 3 के बाद दशमलव, ये 3 के बाद दशमलव। अब इसमें हमने इसकी इसकी गुणा तो कर दी, अब 3.2 का भाग देना है, तो देखिए 3.2 का जब भाग देंगे तो एक डेसिमल यहाँ से इधर ले जा लेंगे, तो 6 54.64 साफ सा लिख लेते हैं 6 54.64, और इसमें हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं किसका, 3.2 में हमने दशमलव इधर खिसका दी, तो अब ये केवल 32 बन गया, 32 का भाग देंगे, तो 32 दूनी यहाँ पर आ गया 64, बच गया 1, उतारा 4 नहीं जा रहा है, तो हमने क्या करना है, जीरो लगानी है और फिर डेसिमल लगाना है, ध्यान रखना पहले जीरो फिर डेसिमल, फिर उतार लिया 6, तो 3 6 12, 3 5 15, 3 6 12, तो लगभग 4 के बराबर ये आएगा,
और आगे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखें तो कितना आ रहा है हमारा मान, यार 20.4 गुणा 10 की घात 27 है, 19 ऊपर चले गए, 10 की घात -27 प्लस 19, तो कितना आ जाएगा 20.4 गुणा 10 की घात, इसमें से घटा दे तो हो गया 19, 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 बच जाएगा, यानी कि 8, 10 की घात -8। और ये 20 है, डेसिमल को इधर लाइए तो 2.04, तो यहाँ पर एक घात प्लस 1 हो जाएगी, 10 की घात -8 प्लस 1, यानी कि 2.04 गुणा 10 की घात -7। और क्या निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई डाउट आपके होने नहीं चाहिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। मेन बातें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी मेन है कैलकुलेशन का खेल। हमारा काम तो वैसे मेन ये था कि आपको वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दी जाती है, लेकिन फिर काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि सर कैलकुलेशन भी करवाइए, तो इस बार कैलकुलेशन करा रहे हैं। NCERT में हमने ये कैलकुलेशन छोड़ दी थी, पर यहाँ करा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ज़्यादा जटिल होगी तो आपके लिए छोड़ देंगे, यदि एक नॉर्मल वे में होगी तो फटाक से उसको करके आंसर निकालने की कोशिश करें। तो चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखते हैं क्या है। 4.0 गुण 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम परिमाण का ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमें ई की वैल्यू दे दी 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र इतने किलोग्राम की एक जल की बूंद को, तो द्रव्यमान 1 × 10⁻⁴ है, तो सीधे मैं ले रहा हूं m = 10⁻⁴ किलोग्राम, बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, q का मान कैलकुलेट करना है। फिर से वही बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र है, ये बूंद है, ये बूंद पर जो भार लग रहा है नीचे mg बल काम कर रहा है, जबकि ऊपर की ओर कौन सा बल कार्य कर रहा होगा, Fe, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या F = qE उसे कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे, तो क्या होना चाहिए, संतुलन में हम जानते हैं Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर F जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F = q × E, और ये बराबर किसके होता है, mg के। हमें क्या निकालना है, हमें q का मान निकालना है, तो ये जगह q = mg / क्या आ जाएगा, E। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है, m का मान दिया है 10⁻⁴, g का मान हम जानते हैं 9.8 / E का मान 4 × 10⁵, तो काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 × 8.4 = 16, 4×5 = 20, तो कितना आ गया 2.45। क्या निकाल रहे हैं, E की वैल्यू निकाल रहे हैं, E बराबर 2.45, और 10⁵ ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, गुणा 10⁻⁴ और -5, तो ये आ गया 2.45 गुणा 10⁻⁹। क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, नहीं हम तो क्यू का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ कर दी हमने, क्यू का मान क्या है, ये क्यू का मान, तो इसको लिखते हैं, ये हम निकाल रहे हैं क्यू को, तो क्यू क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कूलाम। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आसानी से क्यू के मान को निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें तो कोई खास बात थी नहीं, अगला देखते हैं, इसको भी समझते हैं। 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि ई की वैल्यू हमें दे दी 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, 10⁻⁴ त्रिज्या की एक बूंद, तो उसकी हमें आर की वैल्यू दे दी 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बनाए तो 10⁻⁶ मीटर हो जाएगी त्रिज्या कि एक जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। फिर वही वाली स्थिति आ रही है, तो बूंद का नीचे की ओर लगने वाला जो भार होगा mg, वो बराबर होगा उस पर ऊपर लगने वाले वैद्युत बल के। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, यानी कि हमें q का मान क्या करना है, निकालना है। अब ध्यान रखिए, जल की बूंद का द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, क्या हम जानते हैं, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को यदि हम रो से रिप्रेजेंट करें, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करें, तो आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से सूत्र आ गया m = ρ × v। अब
आपको ये जल की बांध है, मेन बात क्या है, ये जल है, तो जल का घनत्व आपको पता ना हो चाहिए, यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि जो जल का घनत्व होता है वो बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, जल का घनत्व है। तो हमें घनत्व इसका पता चल गया। और आयतन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं रो इंटू वी को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये एम का मान हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार द्रव्यमान नहीं दिया है आपको, इस बार क्या दिया है, इस बार केवल त्रिज्या दी है। तो लिखते हैं, लिखते हैं संतुलन में, संतुलन में किसके संतुलन में, बूंद के संतुलन में, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चलिए बूंद के संतुलन में जो हमारे पास विद्युत बल होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ जो भार बल होगा उसके बराबर होगा, तो ये आ गया हमारे पास क्यू ई बराबर हुआ किसके, एम जी के। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू का मान, तो क्यू बराबर हो जाएगा एम जी बटे कैपिटल ई। अब एम का मान तो हमें दिया नहीं है, तो एम का मान यहां से लिखेंगे रो गुणा 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, तो लिख लेंगे ये आ गया रो मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ गया जी बटे नीचे की ओर हमारा क्या आ जाएगा ई मल्टीप्लाई ई। अब बस इनकी वैल्यूज आपने क्या करनी है, पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो क्या आ जाएगा, क्यू का मान निकालना है, घनत्व तो हमने कहा कितना है 1000 गुणा ये आ गया 4 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर क्यूब, आर का मान है 10^-6, तो ये हो जाएगा 10^-6 का घन गुणा क्या आ गया 9.8 बटे नीचे कितना आ गया 3 गुणा ई का मान कितना दे दिया आपको 500 दे दिया, ये आ गया हमारे पास 500। इतना हो गया, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, सीधे 500 से काट दीजिए इसको, दो बार काट दिया तो ऊपर की ओर हमारा कितना आ जाएगा 2×8 और 8^3.14 में फिर 9.8 में गुणा करते हैं, तो चलिए 8^3.14 में 8×32 8×8 9=10 11 8×3=24 21 ये आ गया 25.12, इसमें 9.8 की और गुणा करनी है तो ये आ जाएगा 9.8, तो 8×2=16 8×8=9 8×5=40 8×2=16 4×20 गुणा 9×2=18 9×9=10 9×5=45 1×46 9×2=18 4 हो गए 22 ये आ गया 6×8=16 17 हासिल बच गया 1 6 4 2 कितने बाद 3 के बाद 0.5 ये आ गया 246। अब इसमें किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है, तो 3 का भी भाग दे देते हैं, चलिए 3×8=24 ये उतार लिया 6×3=6 फिर हमारा डेसिमल हट लगा दिया फिर उतार लिया 1 नहीं जाता तो 7 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे और 7 में उतार लेंगे 7 फिर 3×6=18 और फिर बच गया 1 उतारा 6 तो 3×5=15 तो 82.065 के बराबर हमारा आएगा। तो कितना आ गया ये क्यू का मान सॉल्व करके यहाँ पर आएगा क्यू बराबर यह आ गया 82.065 मल्टीप्लाई। अब 10 की घातों को इकट्ठा करना है अपने, तो और तो कुछ भी नहीं है 10 की केवल एक ही है 6×3=18 10^-18 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो डेसिमल इधर लाएंगे 8.20 गुणा 10^ इधर लाएं तो 10^-17 और क्या हो जाएगा कूलाम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको हल कर सकते हैं, कोशिश करिए कि कैलकुलेशन आपके सामने रखी जाए, आसान है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चंस में अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्वेश्चंस आराम से होंगे यदि आप मेरे साथ उसको क्या करो कॉपी लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, साथ में कॉपी पेन जरूर लिया कीजिए। बच्चे क्या करते हैं बस देखते रहते हैं, प्यारे बच्चों ये कोई मूवी नहीं है जिसको आप देख करके काम चला लें। कोई मूवी में भी आप जाओगे देखोगे 3 घंटे की फिल्म देख करके आओगे, कोई पूछेगा भाई क्या फिल्म में हुआ था, मुश्किल से मुश्किल आप 5 या 10 मिनट में ही उसकी पूरी कहानी बता दोगे, क्योंकि जो मेन मेन चीज़ें वो आप बता दोगे, जो बीच के छोटी छोटी बातें होती हैं वो आप भूल जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा ना हो, यहाँ पर पहली बात तो ये मूवी नहीं है कि इसका आप निचोड़ केवल 5 मिनट पे दें, यहाँ पर ये एक सिस्टमेटिक वे से आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो कॉपी लीजिए पेन लीजिए और तैयार हो जाइए लिखने के लिए।
जितना ज्यादा मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके न्यूमेरिकल में प्रोफेंसी बनेगी, उतने अच्छे से आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कॉपी लेके अब आप बैठ गए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक आवेशित तेल की बूंद पर इतने न्यूटन कूलाम का एक समान वैद्युत क्षेत्र में फिर संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है, वही mg बराबर qe के बराबर होगा, सीधी बात। तो वैद्युत क्षेत्र कितना दे दिया है, e बराबर दे दिया 3×10⁴ न्यूटन पर कूलम लटका कर। यदि इसका द्रव्यमान इतने किलोग्राम हो, m बराबर 9.75×10⁻¹⁶ किलोग्राम, तो वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, q की मात्रा ज्ञात करनी है पहली बात, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको भी ज्ञात करना है, दो चीजें ज्ञात। तो आवेश निकल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से लिखते हैं संतुलन में, संतुलन में आप जानते हैं संतुलन में F बराबर QE बराबर किसके हो जाता है, ये हो जाता है mg के बराबर होता है। तो Q का मान निकालना है तो क्या mg बटे E, m का मान आपको दिया है 9.75×10⁻¹⁶ 9.75×10⁻¹⁶, जी का मान आप जानते हैं 9.8 होता है बटे ई का मान हम यहाँ से रखेंगे 3×10⁴। ये हमारे पास आ गया, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें, पहले 3 से भाग दे देते हैं, इसको काट देते हैं। तो 3 से मैंने काटा, 3 × 3 = 9, डेसिमल लग गया, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 3.25 की 9.8 में पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं 3.25 में 9.8 की गुणा कर रहे हैं, तो 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16 और 4 = 20 और 8 × 3 = 24, 25 = 26, ये आ गया गुणा 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18 और 4 = 22 और 9 × 18 = 27, 28 = 29, ये आ गया 0, 5, 8, 9 × 2 = 11, 2 × 1 = 3, इतना आ गया हमारे पास। डेसिमल कितने के बाद स्थान, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 31, थोड़ा छोटा लगा दें, 31.850। क्या आ गया, Q बराबर हमारा आ गया 31.850×10⁻¹⁶ है, −16, और ये 4 ऊपर जाकर के माइनस क्या हो जाएगा, 16 − 4, तो ये हो गया 31.850×10⁻¹⁶, इसके बराबर आ गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले, इसको इधर की ओर ले जाएं तो ये आ जाएगा 3.1850×10⁻¹⁶, इधर लाए हैं तो घात क्या हो जाएगी, −20 + 1, तो क्या आ जाएगा, यहां पर हम लिखें तो Q बराबर हमारा आ जाएगा 3.1850×3.18, बस इतना ही बहुत है मुझे लग रहा है, 1, 8 और 5 है, तो इसको चाहो तो 1, 9 कर लीजिए, चलिए इसको 1, 9 कर लीजिए, × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹। दशमलव के दो स्थानों पर इसको निकालूं तो Q लगभग बराबर हो जा�एगा 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम के। तो आप चाहे ये वाला आंसर लिखिए, ये वाला आंसर लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, कोई फर्क की बात नहीं है, यहीं पर चाहे तो आंसर लिख लिए, क्यू बराबर 3.18×10⁻¹⁹ कूलाम, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे इस रूप में लिख लीजिए। अब ध्यान रखना, हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q का मान कितना आ गया, 3.2×10⁻¹⁹, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹, तो 10⁻¹⁹ से ये कट गया, इससे काटेंगे दो बार, तो N का मान कितना आ गया, 2। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो आपके दोनों आंसर यहां पर देखिए मैच हो रहे हैं, मुझे लगता है आसान है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखिए कुछ बेसिक फार्मूले आ रहे हैं पिछले वाले चैप्टर के, Q बराबर Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यदि ये ध्यान वहां पर नहीं आएगा आपको तो फिर अटक जाओगे यहां पर, तो ये चीजें आपको करनी है, तो कुछ एनर्जी लगानी है बच्चों, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, थोड़ी कोशिश कीजिए, एफर्ट्स लगाइए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, पूरी जी जान लगाएंगे तो शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये आपके लिए मक्खन होते जाएंगे, बिल्कुल आसान होते जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40।
तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये कहना चाह रहा है। 2.55 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, फिर वही बात आ गई, यानी कि mg बराबर होगा qE के। तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन है यानी कि q का मान हमें दे दिया 12 e के बराबर, यानी कि q बराबर 12 गुणा 1.6 गुणा 10^-19 इसके बराबर। वैद्युत क्षेत्र दे दिया e बराबर 2.55 × 10^4 न्यूटन पर कूलम। स्थिर लटकी है, तेल का घनत्व दे दिया यहाँ पर, तेल का घनत्व, ये तेल का घनत्व कितना दिया है 1.26 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बूंद की त्रिज्या, एक पहले भी हमने प्रश्न में ऐसा करा था, जहाँ त्रिज्या दे रखी थी तब हमने अवश्य ज्ञात करा था, यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो काम वही है। तो क्या करना है, सबसे पहले घनत्व को कोरिलेट करेंगे द्रव्यमान से, क्योंकि द्रव्यमान नहीं दिया है, तो हम जानते हैं चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ से निकल जाएगा m = ρ × v, तो ये आ जाएगा ρ × v का मान 4/3 πr³। इसी r का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर अब लिखते हैं संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, स्थिति में यदि संतुलन की स्टेज होगी तो क्या होगा, mg बराबर होगा किसके, qE के। तो अब हमें m का मान निकालना है, तो अब m का मान भी चलिए यहां से सीधे रख लेते हैं, तो m का मान आ गया ρ × 4/3 πr³ × g बराबर qE। तो हमें निकालना है r का मान, तो r क्यूब यहां रख लिया, बाकी सब चीजों को वहां ले जाते हैं, तो 4/3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3/4। रो अंश में है कहाँ चल जाएगा, हर में, पाई अंश में है कहाँ चल जाएगा, हर में, जी अंश में है कहाँ चल जाएगा, हर में, ये हो गई। ऊपर क्या आ गया QE, Q का मान कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 × 1.6 × 10^-19, तो 12 × 1.6 × 10^-19 मल्टीप्लाई, ई का मान कितना दिया है 2.55 × 10^4, 2.55 × 10^4 इस प्रकार से आ गया। बस इसे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस बार कैलकुलेशन लंबी है, आपके लिए छोड़ूंगा जिससे आप इसे कर पाए। तो आर क्यूब बराबर हमारा आएगा, इसकी वैल्यू तो ऊपर आ गई, आप छोटी छोटी चीज़ों को चाहें तो काट सकते हैं, 4 से काट देंगे, 4 × 3 = 12, तो 3 × 3 कितना आ गया 9 × 1.6 × 2.55 × 10^-19 + 4 बटे, रो का मान कितना दे दिया है हमारे को 1.26 × 10^3, पाई का मान 3.14, जी का मान 9.8। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आर क्यूब का जो मान निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है 709.73 मल्टीप्लाई 10^-21 के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल इतना ही आ रहा है। अब जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे की घात 709.73 मल्टीप्लाई 10^-21 इस पूरे की घात क्या होगी 1/3। अंदर ले जाइए 709.73 इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई 10^-21 × 1/3। तो देखिए इसका जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपने वो पढ़ा होगा जैसे हम कहते हैं कि क्यूब रूट के आपने वैल्यूज याद करी होगी, 1 × 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 64, 5 × 25 = 125। तो आप देख रहे हो जो 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 1000, तो ये 1000 से कम है तो 10 से तो कम होगा इसका क्यूब रूट। अब किस किस के बीच में होगा ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए 9 का निकालिए एक बार, 9 × 81 में 9 की गुणा कीजिए, 9 × 9 = 72, 729। तो इसका मान 709 का मान किससे कम है, 729 से कम है। तो 8 × 8 = 68 आप जानते हैं, 64 में 8 की गुणा कर दीजिए, 8 × 32 और 8 × 6 = 48, 49 × 50 = 51, 512। तो इसका मान 8 से काफ़ी ज़्यादा है,
लेकिन 9 से थोड़ा सा कम है, 9 से थोड़ा सा कम है, तो इसका जो मान होगा लगभग 8, लगभग जितना इसका मान आ रहा है, बल्कि 9.82 आ रहा है, ये 9 × 9 = 72, हमने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है क्या? कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी कैलकुलेशन में कहीं से गड़बड़ हुई है, अदरवाइज इसका मान एग्जैक्ट बिल्कुल इतना ही आएगा निकल के। लगभग आप यहां से निकाल सकते हैं कि किस किस के बीच में होगा, लगभग 8 के नियर अबाउट होगा, 8 और 9 के बीच में होना चाहिए, पर आंसर ये आ रहा है 9.82 मल्टीप्लाई, देखिए यहां कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ आएगा। लेकिन ये जो हम निकाल रहे हैं आर, ये स्टैंडर्ड में है, ये किस में है, मीटर में है, तो 10⁻⁷ को यदि आप कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ गुणा 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर को मिलीमीटर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 9.82 10⁻⁴ मिलीमीटर, और यह क्या है, उस बूंद की त्रिज्या है। इस प्रकार से करेंगे, क्यूब रूट के लिए थोड़ा सा इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा ये काम हो जाता है पूरा, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया यहां पर पूरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखते हैं। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, ये थोड़ा सा नए तरीके का प्रश्न आ रहा है, कि वो चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलम हो जाए। आप ध्यान रखना, यदि आपके पास एक गोली चालक है, ऐसा, ये कैसा है, गोली चालक, यदि इसको जितना भी आवेश दिया जाता है वो हमेशा इसके पृष्ठ पर संचित हो जाता है। यदि ये चालक है, चाहे ये गोली चालक हो चाहे ये खोखला चालक हो, आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता इतनी न्यूटन है, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। यहां पे लिख लेते हैं, क्या क्या दे दिया, आर का मान दे दिया 0.1 मीटर और तीव्रता दे दी ई 900 न्यूटन पर कूलम। तो चालक को कितना आवेश दिया जाए, आवेश की मात्रा निकालनी है, यानी कि क्यू की वैल्यू को हमें निकालना है। ये हमारे पास गोला है, ये इसका केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या है आर, तो किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4π ε₀ q/r², ये पता होनी चाहिए। तो लिखते हैं, क्योंकि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E = 1/4π ε₀ q/r². आर क्या है, गोली की त्रिज्या, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने। तो क्या कर देंगे, हमें q का मान निकालना है, तो q बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा q = E, तो यहां आ गया 1/4π ε₀, इसके नीचे भी ले जाइए 1/4π ε₀, और आर स्क्वायर की ई में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई क्या आ गया, आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, ई का मान हमें दिया है 900, यह आ गया 900, आर का मान दिया है 0.1 मीटर, तो ये आ गया 0.1 × 0.1, दो बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, बटे 1/4π ε₀ का मान 9 × 10⁻⁹ होता है, इतना होता है। तो क्या आ जाएगा, 9 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 100, और 100 की 0.1 में गुणा करेंगे तो ऊपर वाला पत्तो आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 10⁻⁹, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या 10⁻⁹, और क्या निकाल रहे हैं, आवेश क्यू को निकाल रहे हैं, तो इतने क्या हो जाएगा, कूलाम। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, यहां पर यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप अलग से कर लीजिए, 100 में गुणा कीजिए 0.1 की 1001001 डेसिमल 1 के बाद है, यहाँ लगा दिया तो कितना आ गया 10 आ गया, फिर 10 में फिर 0.1 की गुणा कर दीजिए तो 1001001, फिर 1 के बाद दशमलव यहाँ लगा दिया तो आंसर कितना आ गया 1, वही मैंने यहाँ पर लिखा था ऊपर 1। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यदि ये याद है तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। फार्मूले जरूर याद करना प्यारे बच्चों, इसकी चाहो तो कॉपी के पीछे एक सूची बना लीजिए, जैसे जैसे फार्मूला आ रहे हैं चैप्टर वाइज, चाहे तो इसकी एक अलग से कॉपी बना लीजिए, या जो आपकी फियर कॉपी है उसके पीछे ही आप क्या कर लीजिए, इसके फार्मूलों की एक लिस्ट तैयार कीजिए, वो काफी आपके लिए लाभदायक होगी। अगला करें क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या है 16,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी कि आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोला। अब देखिए क्या बात दे दी, अचालक गोला। अचालक गोले की एक खास बात होती है कि उसमें आवेश यदि आपने अंदर की ओर एक समान रूप से डाला हुआ है, वो आवेश पूरा का पूरा पृष्ठ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो कंडक्शन है ही नहीं उसके अंदर। चालक होता तो आवेश चल करके, आवेश चालक के भीतर से चल करके पृष्ठ पर आता, अचालक में तो वो चल नहीं सकता, तो जहां वो स्थिर है वो वहीं पर रहेगा। ये इसमें अंतर आता है चालक और अचालक गोले। तो क्या है, अचालक गोले में एक माइक्रोकूलम का आवेश तो कितना दे दिया, पहले त्रिज्या दे दी अचालक गोले की, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। दूसरी, इतने माइक्रोकूलम का आवेश, तो ये आवेश का मान दे दिया क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलम 1×10^-6 कूलम, यानी कि क्यू को सीधे लिखेंगे 10^-6 कूलम। एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इंपॉर्टेंट बात, पूरे आयतन में वो आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, कहीं ज्यादा ना कहीं कम। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कहां, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ध्यान रखना, इसको यदि मैं बनाऊं तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये हमारे पास गोला आ गया, इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित, इस तरीके से कहीं कहीं फैला हुआ है, ऐसे कहीं फैला हुआ है, ये एक ही स्थान पर नहीं है पृष्ठ पर, कहीं पर भी फैला हुआ है, ऐसे है, ऐसे कह सकते हो। अब क्या है, ये मान लेते हैं गोले का क्या है, केंद्र है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो गोले की जो त्रिज्या है ये हमारी है 10 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 20 सेंटीमीटर P पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र ध्यान रखना, यहां पर पहला पार्ट निकालते हैं, लिखते हैं अचालक गोले के केंद्र से अचालक आवेशित, और लिख लेना अचालक आवेशित गोले के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र का मान, E = 1/4π ε₀ q/r² के बराबर हो। तो वैल्यू पुट करें, सीधा आ जाएगा E = योग्य 9×10^9, q का मान कितना दिया है 10^-6 बटे r², r का मान कितना दिया है, अब देखिए यहां पर स्मॉल r का मान है 20 सेंटीमीटर फर्स्ट केस के लिए, स्मॉल r बराबर है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको भाग देंगे 100 से तो यह आएगा 0.2 मीटर के बराबर होगा, ये स्मॉल r का मान है पहले केस के लिए। तो r का मान क्या आ जाएगा 0.2×0.2, इतना आ गया। तो सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 10^9 और 10^-6 कितने होगी, 10^+3। अब देखिए ऊपर क्या है 9, नीचे हम लिख सकते हैं 0.04, तो ये दशमलव हटाया और क्या लिख दिया ऊपर की ओर, गुणा 100 लिख दिया, दशमलव के बाद दो स्थान थे तो 100 लिख दिया मैंने, तो 4 से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 4×2 = 8, फिर 4×2 = 8 और 4×5 = 20, तो 2.25 गुणा 10^3 ये है, 2 ये होगी, तो 10^ कितनी होगी 5, और यह होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। तो पहला मान 2.25×10^5 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा, ये हमारा पहला मान निकल गया। सेकंड केस को समझिए, दूसरी स्थिति, गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बस इसी फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल r लिख लेते हैं, तो ये लिखते हैं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = 1/4π ε₀ q/r² फॉर्मूले लगाइए, क्या गया 9×10^9 माना गया, q का मान हम जानते हैं 10^-6 बटे r का मान क्या है कैपिटल r, ये है 10 सेंटीमीटर, तो सेकंड केस के लिए r बराबर कितना दे दिया 0.1 मीटर, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आ गया 0.1×0.1, इतना आ गया। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लें, दशमलव हटाया गुणा दस, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 9×10^9
माइनस छः प्लस दो, तो क्या आ गया 9 गुणा 10 की घात, 9 और 2 11 में से 6 गया 10 की घात 5, तो वैद्युत क्षेत्र आ गया 9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। सेकंड आंसर 9.0 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। या अब तीसरे पे ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये रेयर मिलेगा, इसका अलग फार्मूला होता है। क्या है, गोले के भीतर केंद्र से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये कौन सा बिंदु हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। ये गोले की त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर थी, गोले के केंद्र से यहां पर मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यह है 4 सेंटीमीटर की, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना अब की बार ये स्मॉल आर का मान होगा 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गोले के भीतर केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, इसका सूत्र क्या होता है, E=1/4πε0 q/r बटे क्या आता है आर क्यू। ध्यान रखना ये वाला सूत्र होता है और ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना इसको कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E=9×10⁻⁹ 1/4πε0 का मान, q का मान 10⁻⁶ गुणा स्मॉल आर का मान। तो यहां पर स्मॉल आर कितना दिया है, स्मॉल आर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये होगा 0.04 मीटर के बराबर आ जाएगा। 100 का भाग देंगे 0.04 आएगा, इसकी वैल्यू को रखें तो q का मान हमने रख लिया 10⁻⁶, स्मॉल आर का मान 0.04 बटे आर की घात 3 है, तो आर का मान कितना है 0.1, इसकी घात 3 कर लीजिए 0.1×0.1×0.1। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये दशमलव हटाया और नीचे मैंने सीधे क्या लिख लिया 100। अब देखिए यहां पर कितने हैं, इसको भी थोड़ा सॉल्व करें, ऊपर आ गया 9 गुणा ये 9 × 36, सीधे पहले 36 लिख लेते हैं, 9 की 4 में गुणा करें 9 × 36 गुणा 10⁻⁹ और 10⁻⁶, 10⁻⁹ बटे नीचे कितना था हमारा 100 गुणा, इसको लिख सकते हैं 0.1×0.1×0.1, ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी जैसे ऊपर। अब देखिए ये दशमलव हटाया गुणा क्या कर दिया 10 गुणा, इसका दशमलव हटाया गुणा 10, इसका दशमलव हटाया गुणा 10, ऐसे लिख लिया, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस वाले 10 से एक जीरो कट गई, इसकी जीरो इससे कट गई, तो केवल क्या आ गया 10, तो मल्टीप्लाई कीजिए यह आ गया 360 गुणा 10 की घात कितनी आ गई 3, इतना आ गया। और इसमें भी डेसिमल इधर से इधर लेके आएंगे तो दो स्थान इधर लाइए 3.60 गुणा 10 की घात गुणा 10 की घात क्या हो जाएगी 5, और फिर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। तो 3.6×10⁵ न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटेटिव के एग्जाम से भी और आपके हम कह सकते हैं एनुअल एग्जाम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, जब आप कहते हो सर क्वेश्चन पेपर टेढ़ा आ गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा कुमार मित्तल में जो सेकेंड चैप्टर था गॉस की थ्योरम वाला, वह हमारा यहाँ होता है पूरा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, जिससे आपके अंदर से जो न्यूमेरिकल का जो भय है, जो न्यूमेरिकल करने में जो आपकी कमी रह जाती है, वो 100% दूर होगी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे न्यूमेरिकल के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।